नमस्कार, मेरा नाम यामिनी है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला में राजनीति विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा यह लेक्चर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थ्योरी पर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट मॉडल की। तुलनात्मक राजनीति में जिन उपागमों का प्रयोग किया जाता है उनमें से एक उपागम व्यवस्था उपागम है। व्यवस्था उपागम को ही सिस्टम अप्रोच भी कहा जाता है और इस व्यवस्था उपागम के अंतर्गत ही इनपुट आउटपुट मॉडल का अध्ययन किया जाता है। अब यह व्यवस्था उपागम क्या है और इनपुट आउटपुट मॉडल क्या है, यह जानने से पहले हम संक्षेप में समझ लें कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। जैसा कि हमें इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तुलनात्मक राजनीति यानी एक ऐसा विषय जिसमें तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण किया जाता है। अब तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में 1950 के दशक में सामने आया था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इससे पहले तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण किया नहीं जाता था। हमें प्राचीन ग्रीक चिंतन में तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण दिखलाई पड़ता है। एरिस्टोटल ने तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हुए ही 158 संविधानों का अध्ययन किया था और उनके बीच परस्पर तुलना करके निष्कर्ष निकाले थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ ऐसे कारक रहे थे जिसने तुलनात्मक राजनीति के विकास में अपना योगदान दिया था। जैसे जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो हमें विश्व पटल पर कई नए देश सामने दिखलाई दिए थे। उपनिवेशवाद के चुंगल से कई देश आजाद हुए थे जिन्हें तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। फिर अब यूरोप और यूएसए के बाहर शक्ति के नए केंद्र सामने आ रहे थे और अब तक उदारवादी पूंजीवाद के रूप में जिस मॉडल को सर्वस्वीकृत माना जाता था उसे टक्कर देने के लिए साम्यवाद के रूप में एक नया मॉडल सामने आया था। तो ये कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने तुलनात्मक राजनीति का एक स्वतंत्र विषय के रूप में, एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में इसका विकास हो सके, इसमें योग दिया था। तो हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें शासन व्यवस्थाओं का, राजनीतिक प्रक्रियाओं का, राजनीतिक व्यवहार, इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, इनका विश्लेषण किया जाता है। और तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान को सहायक बनाने में भी विज्ञान बनाने में भी सहायक सिद्ध हुआ है। 1950 और 60 के दशक में व्यवहारवाद के रूप में जो बौद्धिक आंदोलन आया था जिसकी कोशिश थी कि राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान बना दिया जाए, राजनीति विज्ञान को प्योर साइंस बना दिया जाए, तो उसमें भी तुलनात्मक राजनीति ने कैसे मदद की कि तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, तुलना करके सामान्यकरण की कोशिश की जाती है, फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इस विधि को काफ़ी वैज्ञानिक माना जाता है। तो इस रूप में भी तुलनात्मक राजनीति काफ़ी सिद्ध हुआ, सहायक सिद्ध हुआ है। अब बात करें व्यवस्था उपागम की। तो व्यवस्था उपागम मूल रूप से जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ है। 1920 के दशक में एक जैव वैज्ञानिक थे बर्टन फ्लाई, जिन्होंने सबसे पहले व्यवस्था उपागम का जीव विज्ञान में प्रयोग किया था और उसके बाद यह उपागम समाज विज्ञान में आया था। यानी कि मूल रूप से यह प्राकृतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तत्पश्चात समाज विज्ञान सोशल साइंस में इसे काम में लिया गया। समाज विज्ञानों में भी सबसे पहले समाजशास्त्र में टेलकॉट पार्सन्स ने इसे प्रयोग में लिया था, उसके बाद राजनीति विज्ञान में डेविड ईस्टन ने इसे प्रयोग में लिया और बाद में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी व्यवस्था उपागम प्रयोग में लिया गया है मार्टिन कैप्लॉन के द्वारा। तो इस तरह से देखें तो व्यवस्था उपागम अपने आप में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन से जुड़ा हुआ है, जिसमें पहले प्राकृतिक विज्ञान में यह उपागम प्रयोग में लिया गया था, बाद में समाज विज्ञान में और उसमें समाजशास्त्र में, फिर राजनीति विज्ञान में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। अब
व्यवस्था उपागम को यदि हम समझना चाह रहे हैं तो हमें समझना होगा कि व्यवस्था क्या है। उसी से समझ में आएगा कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है, और उस राजनीतिक व्यवस्था को समझाने के लिए ही हमें कई नए मॉडल्स दिखलाई पड़ते हैं, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था का ही इनपुट आउटपुट मॉडल जो डेविड ईस्टन ने दिया था, इसी तरह संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल जो आमन के द्वारा दिया गया, इसी तरह डाइस का मॉडल। तो इनपुट आउटपुट मॉडल को समझने से पहले हमें समझना होगा राजनीतिक व्यवस्था क्या है, और राजनीतिक व्यवस्था को समझने से पहले समझना जरूरी है कि व्यवस्था क्या है। तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था को हम समझ सकते हैं तत्वों के समूह के रूप में, एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है, और ये जो तत्व हैं ये आपस में परस्पर जुड़े हुए होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, और इन तत्वों में परस्पर अंतःक्रिया चलती रहती है, निरंतर अंतःक्रियाएं इन तत्वों के बीच में चलती रहती हैं, और ये जो अंतर क्रियाएं हैं इनमें एक नियमितता होती है, एक पैटर्न होता है। अब यदि हम समझें कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है, तो यह समाज की एक उपव्यवस्था है। समाज को एक बड़ी व्यवस्था के रूप में देखा गया है, एक बड़ा सिस्टम है समाज, और उस समाज में कई उपव्यवस्थाएं कार्य कर रही हैं, राजनीतिक क्षेत्र की उपव्यवस्था, सांस्कृतिक क्षेत्र की, आर्थिक क्षेत्र की। तो ऐसे ही राजनीतिक क्षेत्र की जो उपव्यवस्था है वह राजनीतिक व्यवस्था है, और एक उपव्यवस्था होते हुए भी यह अपने आप में किस तरह व्यवस्था बन गई है, इसे राजनीतिक उपव्यवस्था नहीं कहा जा रहा है, इसे राजनीतिक व्यवस्था कहा जा रहा है। ऐसा क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे। व्यवस्था को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर के भीतर कई तंत्र होते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र। तो उदाहरण के लिए हम श्वसन तंत्र लें, तो श्वसन तंत्र जो है अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, और उस सिस्टम के तत्व क्या हुए, हमारी श्वास नली हुई, हमारे फेफड़े हुए, और ये जो तत्व हैं श्वसन तंत्र के, इनके बीच में निरंतर अंतःक्रिया चलती रहती है, और जो भी और ये जो विभिन्न अंग हैं श्वसन तंत्र के, ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी एक पर्टिकुलर कोई एक ऑर्गन जो काम कर रहा है उसके लिए वह दूसरे पर निर्भर हैं। तो ये जो तत्व हैं श्वसन तंत्र के, ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, इनके बीच में निरंतर अंतःक्रिया चल रही है। तो इस तरह हम एक सिस्टम को समझ सकते हैं, और ठीक वैसी ही चीज़ हमें राजनीतिक व्यवस्था में भी देखने को मिलती है कि राजनीतिक व्यवस्था के भीतर भी कई सारे तत्व होते हैं, जिन तत्वों से मिलकर यह राजनीतिक व्यवस्था बनती है, और ये जो विभिन्न तत्व हैं इनके बीच निरंतर अंतःक्रिया चलती रहती है, और ये जो विभिन्न तत्व हैं ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हम डेविड ईस्टन पॉलिटिकल सिस्टम की क्या परिभाषा देता है यदि हम वो समझें, तो राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा मूल्यों का बाध्यकारी आवंटन किया जाता है। तो इस डेविड ईस्टन ने जो परिभाषा दी है इसमें हमें क्या दिखलाई दे रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज के भीतर की एक व्यवस्था है, पहली चीज। दूसरी बात, अंतःक्रियाओं की एक प्रणाली है कि राजनीतिक व्यवस्था में निरंतर अंतःक्रियाएं चलती रहती है, और ये अंतःक्रिया क्या है ये हम आगे इनपुट आउटपुट मॉडल के माध्यम से समझेंगे। तीसरा, राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा मूल्यों का बाध्यकारी आवंटन किया जाता है। अब मूल्यों के बाध्यकारी आवंटन से ईस्टन का क्या अभिप्राय है, तो हम समझे मूल्य से ईस्टन का मतलब है वैल्यूएबल गुड्स। मूल्य यानी कि वह सब कुछ जो कि नागरिक राजनीतिक व्यवस्था से चाह रहे हैं। अब यह हो सकता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी सुविधाएं, ये सब मूल्य के अंतर्गत आ रही हैं, ये सब वैल्यूज में आ रही हैं, यानी कि वस्तुएं या सेवाएं जो भी नागरिक चाह रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था से। इनका बाध्यकारी आवंटन यानी कि राजनीतिक व्यवस्था इन बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन करेगी, इसका वितरण करेगी, और यह आवंटन संपूर्ण समाज के लिए किस तरह का होगा, प्रकृति से बाध्यकारी होगा। अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का उस समाज में जो भी वितरण किया जाएगा वह वितरण किस तरह से किया जाना है, किस सिद्धांत से किया जाना है, यह राजनीतिक व्यवस्था तय करती है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यह राजनीतिक व्यवस्था तय करेगी। और यह सिद्धांत क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा,
यह अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग होता है और शासन व्यवस्था की प्रकृति पर निर्भर करता है। उदारवादी व्यवस्था में यह भिन्न प्रकार का हो सकता है, साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था में यह भिन्न प्रकार का हो सकता है। तो जो भी वितरण किया जाएगा उस समाज के लिए वह उस संपूर्ण समाज के लिए बाध्यकारी प्रकृति का होगा, अर्थात सभी को मानना होगा। अब बात करें इनपुट आउटपुट मॉडल की, तो राजनीतिक व्यवस्था में जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं उन प्रक्रियाओं को समझाने के लिए ईस्टन एक मॉडल देता है जिसे उसने नाम दिया है इनपुट आउटपुट मॉडल। और अपने इस मॉडल का वर्णन उसकी पुस्तक में मिलता है जिसका नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स, जो 1953 में प्रकाशित हुई थी। अब ईस्टन अपने इस अपना ये जो मॉडल दे रहा है यह राजनीतिक व्यवस्था के लिए दे रहा है और वह राज्य की जगह राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग कर रहा है। ईस्टन ने ऐसा क्यों किया? जब 1950 और 60 के दशक में व्यवहारवादी आंदोलन आया था जिसका उद्देश्य था राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान बना दिया जाए, एक प्योर साइंस बना दिया जाए, और इसके लिए व्यवहारवादी आंदोलन में जोर दिया गया था कि संस्थागत अध्ययन के बजाय राजनीतिक व्यवहार का, यानी उन संस्थाओं के में जो भी कर्ता काम कर रहे हैं उनके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाए और मूल्यों से दूर हटा जाए, तथ्यों पर उसमें जोर दिया गया था, तथ्यों का अध्ययन किया जाए, क्योंकि मूल्य अपने आप में सब्जेक्टिव होते हैं, तथ्य ऑब्जेक्टिव हैं, तो वो ऑब्जेक्टिविटी लाई जाए जो कि एक प्राकृतिक विज्ञान की विशेषता होती है। तो उस व्यवहारवादी आंदोलन के अंतर्गत ही एक प्रवृत्ति यह देखने को मिली थी कि नवीन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया था। तो ऐसी ही एक शब्दावली यह थी कि राज्य की जगह राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, यह इसका प्रयोग किया जाए। और अब यदि हम समझें कि राज्य की जगह पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो राजनीतिक व्यवस्था राज्य से किस रूप में भिन्न है, तो हम समझे कि राज्य क्या है। राज्य को हम यह जानते हैं कि यह एक ऐसी इकाई है जो पांच तत्वों से मिलकर बनी होती है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था राज्य की तुलना में ज्यादा व्यापक है। कैसे? कि राज्य अपने आप में एक स्थैतिक धारणा है, एक स्टैटिक है, इसकी प्रकृति स्टैटिक है, जबकि जो राजनीतिक व्यवस्था है यह अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है। वो इस तरह कि जब हम राज्य की बात करते हैं तो हम बात करते हैं राजनीतिक संस्थाओं की, लेकिन जब हम राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो हम राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ उन संस्थाओं में होने वाली प्रक्रियाएं, उन प्रक्रियाओं को कौन कौन से तत्व प्रभावित कर रहे हैं, हम इस चीज को भी अपने अध्ययन में शामिल करते हैं। जैसे कि हम जब आगे इनपुट आउटपुट मॉडल का डायग्राम देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था काम कर रही है इनपुट आउटपुट के द्वारा, कि जिस पर्यावरण में राजनीतिक व्यवस्था विद्यमान है उस पर्यावरण से कुछ इनपुट आते हैं और वो इनपुट राजनीतिक व्यवस्था में जाते हैं और जिसमें उनका कन्वर्जन होता है और राजनीतिक व्यवस्था आउटपुट देती है नीति और निर्णयों के रूप में, और फिर वही आउटपुट, वो जो आउटपुट्स हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया होती है पर्यावरण में, और वही प्रतिक्रिया जो फीडबैक है वही मॉडिफाई होकर इनपुट बनते हैं और वही पॉलिटिकल सिस्टम में वापस जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में, यही प्रक्रियागत विश्लेषण जो है वो ईस्टर्न समझाता है अपने इनपुट आउटपुट मॉडल में। अपने इस मॉडल को ईस्टर्न फ्लो मॉडल भी कहता है और इसे फ्लो मॉडल क्यों बोला गया है ये हमें अभी डायग्राम से समझ आएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये डेविड ईस्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल का डायग्राम है जिसमें हमें सेंटर में पॉलिटिकल सिस्टम दिखलाई दे रहा है। यह पॉलिटिकल सिस्टम किसमें विद्यमान है? एनवायरमेंट में, पर्यावरण में है, और इसी पर्यावरण में पॉलिटिकल सिस्टम के साथ दूसरे सिस्टम भी मौजूद हैं, जैसे कि सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक, आर्थिक, ये सभी उपव्यवस्थाएं इसी पर्यावरण में रहकर काम कर रही है और इसी पर्यावरण में एक उपव्यवस्था राजनीतिक उपव्यवस्था है। हमें दिखाई दे रहा है इनपुट नाम का एक बॉक्स जिससे एक एरो निकल रहा है, यानी कि कुछ इनपुट्स हैं डिमांड और सपोर्ट के रूप में जो पॉलिटिकल सिस्टम में जा रहे हैं,
फिर पॉलिटिकल सिस्टम से एक एरो निकल रहा है जो बता रहा है आउटपुट्स को, और वो आउटपुट्स हैं डिसीजन और पॉलिसीज के रूप में। अब ये जब आउटपुट एनवायरनमेंट में आ गए तो एक एरो हमें नीचे दिखलाई दे रहा है फीडबैक के रूप में। यह फीडबैक बाद में मॉडिफाई हो रहा है और एक एरो जा रहा है इनपुट की तरफ, यानी यही फीडबैक मॉडिफाई होकर इनपुट बन गए और यह इनपुट वापस जा रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। तो इस तरह से हमें एक फ्लो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर्यावरण है, पर्यावरण में राजनीतिक व्यवस्था है, पर्यावरण से ही कुछ निवेश आ रहे हैं यानी इनपुट्स आ रहे हैं, और यह इनपुट्स हैं किस रूप में, मांगों के रूप में और समर्थन के रूप में, जो जा रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था में, और यह राजनीतिक व्यवस्था इन इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट दे रही है डिसीजन और पॉलिसीज के रूप में। फिर यही पर्यावरण में वापस आ रहे हैं, फिर फीडबैक है, फीडबैक वापस इनपुट है, और इनपुट से वापस एक एरो जा रहा है पॉलिटिकल सिस्टम में। तो इस तरह से एक फ्लो बना हुआ है। इस इनपुट आउटपुट मॉडल को हम समझ सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम की तरह। जिस तरह से जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हम कंप्यूटर को कुछ कमांड देते हैं, तो वो जो कमांड है वो इनपुट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए। वो इनपुट देने के बाद में कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में वो हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही सिमिलैरिटी हमें यहाँ दिखलाई दे रही है, जिसमें इनपुट है सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम उसे प्रोसेस कर रहा है, उसे आउटपुट दे रहा है, और फीडबैक भी है यहाँ पर। अब हम इनपुट आउटपुट मॉडल को थोड़ा विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं कि ईस्टर्न राजनीतिक व्यवस्था में जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, ये प्रक्रियाएं ही तो हैं राजनीतिक व्यवस्था में चलने वाली। किस तरह से मांगे आ रही हैं, समर्थन आ रहे हैं, उन पर प्रोसेस हो रहा है, डिसीजन पॉलिसीज बनाई जा रही है, फीडबैक की प्रक्रिया चल रही है, और कई सारे तत्व इस बीच उन्हें प्रभावित कर रहे हैं कि जो इनपुट्स हैं इनको कौन कौन से तत्व प्रभावित कर रहे हैं। कई सामाजिक तत्व होंगे, सांस्कृतिक तत्व होंगे, आर्थिक तत्व होंगे, तो ये प्रभावित कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम को, और जो भी डिसीजन या पॉलिसीज बनाई जा रही है उन सबको। तो इन सभी प्रक्रियाओं का, इन सभी कारकों को पॉलिटिकल सिस्टम में देखा जाता है। तो जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं इनको समझाने की कोशिश की है ईस्टर्न ने अपने इस मॉडल से। तो इस मॉडल के यदि हम घटक देखें तो पहला घटक हम समझ सकते हैं निवेश के रूप में, इनपुट के रूप में। तो ईस्टर्न इनपुट को, जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, इनपुट्स के दो प्रकार बता रहा है वो, डिमांड और सपोर्ट, यानी मांग और समर्थन। मांग में भी ईस्टर्न चार तरह की मांगों की बात करता है। पहली मांग वो बतलाता है वस्तुओं और सेवाओं की मांग। इसमें आ जाता है कि समाज में उठने वाली वे मांगे जो वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी हुई होती हैं। अब यह कुछ भी हो सकती है, बुनियादी वस्तुओं की, बुनियादी सेवाओं की मांग, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की मांग, ये सभी मांगे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में आती है। दूसरी मांग जो पर्यावरण से उठ रही है वह है व्यवहार के विनियमन की मांग, कि लोगों के व्यवहार को विनियमित किया जाए राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा। तीसरी मांग जिसकी बात ईस्टर्न करता है वह है राजनीतिक सहभागिता की मांग, कि पर्यावरण से यह मांग उठ रही है कि राजनीतिक सत्ता में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। चौथी मांग की बात ईस्टर्न करता है वह है सूचना और संप्रेषण से जुड़ी हुई मांग, कि लोग राजनीतिक व्यवस्था से कम्युनिकेट कर सके, जो भी गवर्नमेंट है उससे कम्युनिकेट कर सके, उसे सूचना प्राप्त कर सके। फिर निवेश का दूसरा पक्ष जो ईस्टर्न बतला रहा है वह समर्थन का है, सपोर्ट का है। अब सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई भी मांग पर्यावरण से उठ रही है तो उस मांग के साथ समर्थन का होना जरूरी है, बिना समर्थन के मांगों का औचित्य खत्म हो जाता है। यदि लोगों के द्वारा या पर्यावरण से वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मांग उठ रही है तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग के साथ भौतिक रूप में समर्थन दिया जाना जरूरी है। यानी यदि बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जा रही है तो बदले में भौतिक समर्थन दिया जाएगा, यानी कि यदि राजनीतिक व्यवस्था बुनियादी सेवाएं और वस्तुएं प्रदान करेगी तो बदले में लोग उन्हें टैक्स पे करेंगे। ठीक इसी तरह दूसरे तरह का समर्थन वह बतलाता है कानून का शासन संबंधी समर्थन या कानून के पालन संबंधी समर्थन, कि यदि मांग उठ रही है व्यवहार के विनियमन की, कि व्यवहार लोगों के व्यवहार को विनियमित करने से जुड़े हुए नियम बनाए जाए, तो लोगों के द्वारा बदले में यह समर्थन दिया जाता है कि जो भी कानून बनाए जाएंगे, नीतियां बनाई जाएगी, नियम बनाए जाएंगे, लोग उनका पालन करेंगे। ठीक इसी तरह तीसरा समर्थन ईस्टर्न बतलाता है सहभागिता संबंधी समर्थन,
कि यदि राजनीतिक व्यवस्था कुछ ऐसा सिस्टम बनाती है, ऐसी व्यवस्था करती है कि राजनीतिक सत्ता में लोगों को वह भागीदारी देगी, तो लोग भी यह समर्थन देते हैं कि वह भी अपनी तरफ से सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। चौथा समर्थन ईस्टर्न बतलाता है सूचना और संप्रेषण संबंधी समर्थन। फिर जो दूसरा घटक है इनपुट आउटपुट मॉडल का, वह है मांगों का रूपांतरण, कन्वर्जन की जो प्रोसेस जो एक पॉलिटिकल सिस्टम में चलती है। तो रूपांतरण ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण से जो भी निवेश आ रहे हैं उनको प्रोसेस किया जाता है और उनको निर्गत में बदला जाता है, यानी इनपुट्स को आउटपुट में जो बदलता है वह प्रक्रिया कौन सी है, वह प्रक्रिया रूपांतरण की है, कन्वर्जन की है। एक बात हमें यह भी ध्यान देने की है कि पर्यावरण से जो भी मांगे उठ रही हैं वह राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव डालती है, तनाव पैदा करती है, लेकिन हर तरह की मांग को राजनीतिक व्यवस्था स्वीकार नहीं करती है। किसी मांग को स्वीकृत किया जाना निर्भर करता है इस चीज पर कि वह मांग कितनी औचित्यपूर्ण है, कितनी वैध है। फिर दूसरा यह भी देखा जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था में इतनी क्षमता भी है या नहीं कि पर्यावरण से जो भी मांगे आ रही है वह उन्हें पूरा कर सके या नहीं कर सके। तीसरा घटक जो ईस्टर्न बतलाता है अपने इनपुट आउटपुट मॉडल में, वह है आउटपुट का। आउटपुट वे सभी नियम हैं, नीतियां हैं, या वे सभी रूल्स हैं, डिसीजंस हैं, पॉलिसीज हैं जो कि रूपांतरण की प्रक्रिया के पश्चात पर्यावरण में जाते हैं। यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम जब इनपुट्स को प्रोसेस करता है और उसके बाद जो भी रिजल्ट उसका आता है वह क्या है, आउटपुट है। चौथा घटक जो ईस्टर्न बतलाता है वह है पुनर्निवेश का, फीडबैक का, कि पॉलिटिकल सिस्टम से पर्यावरण में जो भी निर्गत आ रहे हैं, जो भी आउटपुट आ रहे हैं, उनके प्रति प्रतिक्रिया होती है पर्यावरण में, और वही प्रतिक्रिया जो है वो फीडबैक का काम करती है और बाद में मॉडिफाई होकर इनपुट बनती है और वापस राजनीतिक व्यवस्था में जाती है। तो इस तरह एक निरंतर प्रवाह चलता रहता है राजनीतिक व्यवस्था में, और यह जो प्रवाह चल रहा है राजनीतिक व्यवस्था में उसका जो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो फीडबैक है। यानी फीडबैक ही वह घटक है, वह चरण है जो आउटपुट को इनपुट से जोड़ रहा है, कि यदि फीडबैक नहीं होता तो इनपुट होता, पॉलिटिकल सिस्टम होता और आउटपुट होता, तो ऐसे में ज्यादा संभावना होती कि राजनीतिक व्यवस्था पर तनाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। अब आउटपुट जो आया है उस पर पर्यावरण से प्रतिक्रिया आ रही है और उसके अनुरूप फिर इनपुट मॉडिफाई, फीडबैक इनपुट मॉडिफाई होकर इनपुट बन रहा है, वो राजनीतिक व्यवस्था में जा रहा है। तो इससे राजनीतिक व्यवस्था को यह पता लग जाता है फीडबैक से कि क्या किए जाने की जरूरत है, तो उसके उस तो जो भी पर्यावरण में बदलाव हो रहे होते हैं उसके अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था खुद को ढाल लेती है। तो फीडबैक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस इनपुट आउटपुट मॉडल का, जो कि प्रवाह को बनाए रखता है राजनीतिक व्यवस्था में। अब यदि हम बात करें कि जो ईस्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल है इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हम बतला सकते हैं, तो इससे हमें यह पता लग रहा है कि राजनीतिक उपव्यवस्था जो है यह समाज की एक उपव्यवस्था है। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि समाज अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था है और उस बड़ी व्यवस्था के भीतर कई उपव्यवस्थाएं काम कर रही होती हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र की जो उपव्यवस्था है वो है पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था, लेकिन यह जो उपव्यवस्था है यह अन्य सभी उपव्यवस्थाओं से सर्वोच्च है और इस उपव्यवस्था के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह संपूर्ण समाज के लिए और अन्य सभी उपव्यवस्थाओं के लिए बाध्यकारी होते हैं। तो ऐसे में यह समाज की एक उपव्यवस्था होते हुए भी अन्य सभी उपव्यवस्थाओं से सर्वोच्च होती है, स्वतंत्र होती है, अपने आप में निर्णायक सत्ता रखती है। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था में हमने जाना कि राजनीतिक व्यवस्था में प्रक्रियाओं की बात की जाती है, प्रक्रियागत विश्लेषण किया जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वह तीन चरणों में आगे बढ़ रही हैं, इनपुट, कन्वर्जन और आउटपुट।
कि पहले पर्यावरण से इनपुट आते हैं, फिर वो पॉलिटिकल सिस्टम में जाते हैं जहाँ कन्वर्जन होता है उनका, फिर आउटपुट आता है, आउटपुट और इनपुट को जोड़ने वाला तत्व फीडबैक है, और इस तरह से ये प्रक्रिया निरंतर आगे चलती रहती है। और यह व्यवस्था फीडबैक पर टिकी हुई है बिल्कुल, क्योंकि फीडबैक से ही व्यवस्था में जो भी बदलाव आ रहे होते हैं उसके अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था खुद को ढाल पाती है। चौथा, राजनीतिक व्यवस्था प्राकृतिक व्यवस्था के समान ही होती है, कि जिस तरह से एक प्राकृतिक व्यवस्था होती है, एक प्रकृति में हमें देखने को मिलता है, उसमें भी तनाव आते रहते हैं, दबाव प्राकृतिक व्यवस्था में पड़ते हैं, लेकिन प्रकृति का यह गुण होता है कि उसमें अनुकूलन की क्षमता होती है, वह खुद को जो भी बदलाव हो रहा होता है उसके अनुरूप ढाल लेती है। ठीक यही विशेषता राजनीतिक व्यवस्था में भी होती है। पर्यावरण से जो भी तनाव या दबाव राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ते हैं उसके अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था खुद को ढाल लेती है, और इन पर्यावरण से जो भी तनाव दबाव आ रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था पर, और यह तनाव या दबाव मुख्यतः मांगों के रूप में आते हैं, इनपुट्स के रूप में आते हैं, तो इन तनाव या दबावों को कम करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। इसकी भी बात ईस्टन करता है, और जिन्हें वह नियामकीय तंत्र कहता है, जिसमें वह शामिल करता है सांस्कृतिक तंत्र को, कि बेसिकली राजनीतिक संस्कृति इसके अंतर्गत आ जाता है। एक तत्व वह संप्रेषण वाहिका का बतलाता है, कि जिन साधनों से मांगे राजनीतिक व्यवस्था तक आ रही हैं, ये संप्रेषण वाहिकाएं भी राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ने वाले तनाव और दबावों को कम कर देती हैं। एक तत्व वह गेटकीपर के रूप में बतलाता है, जिसमें वह पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज हित समूह इन सभी को शामिल करता है। तो इस तरह के कुछ नियामकीय तंत्र राजनीतिक व्यवस्था के भीतर विद्यमान होते हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ने वाले तनावों और दबावों को कम करने का प्रयास करते हैं, और तनाव और दबाव पड़ने की स्थिति में भी राजनीतिक व्यवस्था बनी रहती है, वह टूटती नहीं है। और राजनीतिक व्यवस्था का जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि किस तरह से जो है खुद को बनाए रखा जाए, जो भी तनाव आ रहे हैं पर्यावरण से, जो भी मांगे आ रही हैं, इतना दबाव राजनीतिक व्यवस्था पे ना हो कि वह टूट जाए। तो इस लेक्चर में हमने बात की राजनीतिक व्यवस्था की, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, और राजनीतिक व्यवस्था को समझाने के लिए ईस्टन ने जो इनपुट आउटपुट मॉडल दिया है वह क्या है, और क्या क्या प्रक्रियाएं चलती हैं राजनीतिक व्यवस्था में, और इस इनपुट आउटपुट मॉडल की क्या क्या विशेषता है। आगे आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे राजनीतिक व्यवस्था से ही जुड़े दूसरे मॉडल, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल की। धन्यवाद।